नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके साथ अंकिता। इन दिनों ग्रेटर नोएडा का क्रिकेट स्टेडियम जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हैरान और परेशान कर देने वाले हैं। दरअसल इकलौता टेस्ट मैच न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच में खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह से और जो खस्ता हालत हुई है ग्रेटर नोएडा स्टेडियम की, उसकी वजह से ये मैच जो है वो तीसरे दिन का मैच भी जो है वो रद्द हो गया। और रद्द होने की वजह कहीं ना कहीं ग्राउंड जो है वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने देखा कि पहले और दूसरे दिन जिस तरीके से ग्राउंड की हालत थी और तीसरे दिन जो हालत थी वो कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाली है। और यहाँ हमने देखा कि कितने ज़्यादा हथकंडे अपनाए गए सुखाने के लिए ग्राउंड को। सबसे पहले तो पंखे से सुखाई गई ज़मीन को, लेकिन वो भी काम नहीं आया। उसके बाद वहाँ पर खुदाई भी की गई, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। और बहुत सारे हथकंडे जो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सुखाने के लिए इस्तेमाल की गई, उसकी वजह से भी सोशल मीडिया पर तमाम जो है वो BCCI की आलोचनाएं भी हो रही। पाकिस्तान, जो हमने हमेशा देखा कि जब हम पाकिस्तान किसी चीज़ की गलतियां निकालते हैं, और पाकिस्तान भी अब भारत की गलतियां गिनाने में लग चुका है। जो पाकिस्तान ने बोला है कि इंडिया के पास इस तरीके से सुविधाएं, BCCI के पास इतना ज़्यादा पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राउंड की जो हालत है, ग्रेटर नोएडा क्रिकेट स्टेडियम की जो हालत है, वो कहीं ना कहीं हैरान और परेशान कर देने वाली है। अब देखिए, हथकंडे तो बहुत ज़्यादा अपनाए गए। सबसे पहले पंखे से सुखाई की गई, उसके बाद वहाँ पर खुदाई भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि मैदान अभी भी सही नहीं हो पाया। और BCCI ने अपनी तरफ से मदद भी की ACB के लिए, और जहां पर ग्रेटर नोएडा से अब जो अरुण जेटली स्टेडियम है वहां पर ये मैदान बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन आखिर क्यों जो है ग्रेटर नोएडा का स्टेडियम है वो सूखने का नाम नहीं ले रहा है? अब देखिए, जो आउटफील्ड है वो जो है वो वहां पर रेत नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर पानी जो है वो रुक जा रहा है, और रुकने की वजह से ये है कि वहां पर पानी जो है वो सूख नहीं रहा और एक जगह जो है वो पानी जमा होता जा रहा है। और तस्वीरों में ये साफ झलक रहा है, स्टेडियम पूरा पानी से भर गया है, और जो खस्ता हालत वहां पर दिखाई जा रही है वो अपने आप में ये दर्शाती है कि इस तरीके से यहाँ पर मैच होगा। अब देखिए, ये जो वाक्या है वो साल 2008 में भी हुआ था, और साल 2008 में भी न्यूजीलैंड इस पार्ट का हिस्सा था, यानी कि वो मैच बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड के बीच में मीरपुर में खेला गया था, और उस मैच में भी ऐसी चीजें हुई थी जहां पर तीन जो मैच थे वो रद्द हो गए थे, और ऐसा जो है वो साल 2024 में भी देखने को मिला। अब पहले से भी सवाल उठाए जा रहे थे जिस तरीके से स्टेडियम की खस्ता हालत थी, जो अफगानिस्तान के कोच थे उन्होंने कहा कि ये आखिरी बार है और ऐसी जगह हम दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा अफगानिस्तान के कोच का भी कहना था। और साथ ही साथ BCCI पर भी सवाल उठ रहा है किस तरीके से स्टेडियम की वहां पर देख रेख हो रही थी और किस तरीके से मैच एक भी नहीं हो पाया, यानी ये लगाया जा रहा था कि चलिए पहला मैच रद्द हो गया, लेकिन अब दूसरे मैच में जो स्टेडियम की हालत है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं, दूसरा मैच भी रद्द कर दिया गया। और तीसरे मैच में भी संभावना है बारिश की वजह से, बारिश तो चलिए ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सुखाने में ग्राउंड को टाइम लग रहा था वो पहले दिन में भी ऐसी कंडीशन थी, दूसरे दिन में भी वही कंडीशन थी, और तीसरे दिन में भी हमने देखा कि वही कंडीशन थी, जिससे ये डिसीजन जो है वो पहले ही ले लिया गया, यानी कि 9:15 में ये डिसीजन ले लिया गया था कि यहाँ पर मैचेस नहीं होंगे। अब देखिए, इसका जिम्मेदार कौन है? जिस तरीके से वहाँ पर हमने देखा कि पंखे से ग्राउंड को सुखाया जा रहा है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो मिट्टी थी उसको खोद के कहीं और ले जाई जा रहे थे, तो ये अपने आप में थोड़ा सा दर्शाता है कि इंडिया के कुछ स्टेडियम्स की हालत कैसी है। हमने देखा भी है कि जिस तरीके से वहाँ पर ग्राउंड मैन जो थे वो सुखाने में अपनी पूरी दमखम लगाते नजर आए, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, ये हो रहा था कि शायद मैच हो जाएगा, मैच जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, चलिए पहला मैच रद्द हो गया लेकिन दूसरा मैच वो कराया जाएगा, लेकिन दूसरा मैच भी रद्द हो गया। और तीसरे मैच में भी हमने देखा कि इतनी खस्ता हालत थी कि ग्राउंड जो है वो सूखने का नाम नहीं ले रहा था। और कहीं ना कहीं इसके सबसे ज़्यादा जो वजह है वो ये हो सकती है कि जो आउटफील्ड है वो रेत नहीं है वहाँ पर, और उसकी वजह से मिट्टी में पानी जो है वो जमा होता जा रहा है, और उसकी वजह से वहाँ पर सुखाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब देखिए, खस्ता हालत का जिम्मेदार कौन है इस पूरे वाक्य में, कमेंट करके फटाफट से बताइए। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ Facebook या फिर Instagram पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ताकि भी खबर मिस ना होने पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।